दिवाली पर लगने वाला है सूर्य ग्रहण। थोड़ी सी गलती की तो आपको पछताना पड़ेगा। अगर काट नहीं जाना तो आपको होगी परेशानी। आपकी राशि को हो सकता है खतरा। हम बताएंगे उपाय। इस बार की दिवाली सूर्य ग्रहण के साए में है। 2022 का दूसरा सूर्य ग्रहण दीपावली के दूसरे दिन यानी कि 25 अक्टूबर को है। कार्तिक मास की अमावस्या का पड़ने वाला खंड ग्रास सूर्य ग्रहण लगभग पूरे भारत में दिखाई देगा। अमावस्या के दिन लगने वाले इस ग्रहण में लोकाचार और सूतक का मान होगा, जिससे आपकी राशि पर भी गहरा असर होने वाला है। ऐसे में आपको इस योग से बचने के लिए सबसे पहले ये करना होगा कि सूर्य ग्रहण पर सूतक लगने के बाद कुछ भी खाना पीना पढ़ना सोना नहीं होगा। इसके साथ ही घर के मंदिर का पट बंद रखना है। वहीं अगर आपने पहले भोजन पकाकर रखा हो तो ग्रहण के बाद उसे खाने से परहेज करना होगा। इसके अलावा आपको ग्रहण शुरू होने से पहले स्नान करके साधना करना चाहिए। मोक्ष के उपरांत स्नान करके दान करना चाहिए। सूर्य ग्रहण काल में भगवान सूर्य की उपासना श्रेयस्कर मानी गई है। पका हुआ अन्न कटी हुई सब्जी ग्रहण काल में दूषित हो जाती है, उन्हें नहीं रखना चाहिए। तेल घी दूध पनीर अचार चटनी और मुरब्बा सहित अन्य खाद्य पदार्थ में तुलसी की पत्ती डालनी चाहिए। सूतक एवं ग्रहण काल में मूर्ति स्पर्श नहीं करना चाहिए। बुजुर्ग रोगी बालक और गर्भवती को जरूर दवा लेनी चाहिए। गर्भवती अपने घर को गेरू से गोट सकती हैं। कुछ लोग गर्भवती के पेट को भी गोरू से गेटते हैं। अगर आप इन सावधानियों को बरतेंगे तो ग्रहण के सूतक से बचे रहेंगे और आपके जीवन में खुशहाली कायम रहेगी। न्यूज़ लाइफ डेस्क पटना।